दुल्हन प्रधान की दुल्हन, मेरे प्रधान की दुल्हन, प्रधान की दुल्हन, प्रधान की दुल्हन। अगर इन दिनों आप अपने ब्रदर के लिए दुल्हन खोजने जा रहे हैं तो आपको इमरान से बेहतर टिप्स कोई नहीं दे सकता। इमरान, किस तरह की दुल्हन होनी चाहिए ब्रदर के लिए? भाई, अगर मेरा ब्रदर हो तो मैं एक ऐसी लड़की ढूंढता जो सुंदर हो और सुशीला, रंग चांदी सा चमकीला, डिग्री भी हो, और अगर फैशन जाने तो अच्छा होगा। आइडियली हो सीता जैसी नारी, और लेकिन जो जो जाने दुनियादारी। आई फील ये आपका मतलब खुद का रिक्वायरमेंट्स? जी हाँ, ये मेरे खुद के रिक्वायरमेंट्स। वो हमारा गाने का लिरिक्स नहीं है ना? कटरीना को हमने देखा बीड़ी पी रही हैं, वो बिना परमिशन के रॉक शो कर रही हैं, फिर ऐसी दुल्हन खोजने का क्या रीज़न है? कुछ मन में कुछ और चल रहा था? बात क्या है ना कि कटरीना बहुत ही बदतमीज़ किस्म का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं इस फिल्म में। शुरुआत में सबको लगता है कि बहुत शरीफ लड़की है, बहुत अच्छी प्यारी लड़की है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है दैट एक्चुअली शी इज़ नॉट लाइक दैट एट ऑल। कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, कटरीना के नहीं। कटरीना खुद बहुत ही नेक और शरीफ लड़की है। इमरान की तारीफ करना चाहेंगे आप कुछ? मासूम, बहुत मासूम, खूबसूरत, टैलेंटेड, सिंसियर, मेहनती, काइंड हार्टेड, बहुत ही जेनरस लड़की है। जी हाँ, बहुत जेनरस लड़की है। एक स्टेप्स, सबके तीनों खान्स के स्टेप आपने मतलब हिट स्टेप्स उठाए हुए हैं फिल्म में, तो वो कैसा रहा? मतलब कुछ नाराजगी हो सकती है? मामू चाचू सब हैं आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा इरादा ये था। मामू मुझे मालूम है, वो चाचू सलमान चाचू, सलमान चाचू इज योर चाचू? अच्छा, ओके। एट द जानी टू प्रीमियर टोल्ड मी दिस इज योर मामू, यू कॉल मी चाचू। अच्छा, ओके, वेरी गुड। और शाहरुख खान? शाहरुख हैड नॉट टोल्ड मी टू कॉल हिम एनीथिंग। अच्छा, ओके। सो आप क्या बोलते हैं उन्हें? सर, मामू चाचू, मामू चाचू उठाए हुए हैं। हमारा इरादा ये था कि हम तीनों को एक ट्रिब्यूट दें, उनको इज्जत दें, क्यों इतने सालों से हमें एंटरटेन कर रहे हैं, हमें इंस्पायर कर रहे हैं। आजकल के जितने एक्टर्स हैं, हुएवर इज वर्किंग, आई फील दैट दे हैव टू एडमिट दैट दे आर इंस्पायर्ड बाई दीज थ्री मैन, कि इतने बेहतरीन काम किया है इन लोगों ने। दे हैव मेड सच ग्रेट फिल्म्स, दे हैव एंटरटेन्ड अस फॉर सो मेनी इयर्स, दैट इट इज़ आवर वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू देम, कि हम उनसे कितने इंस्पायर्ड हैं, हम उतने कितना एडमायर करते हैं। आई डोंट थिंक दैट दे विल टेक इट इन द रॉन्ग सेंस। कटरीना, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना परेशान किया आपको इमरान ने फिल्म में, और फिल्म ऑफ द स्क्रीन कितना परेशान किया? नहीं, इमरान ने आपको कितना परेशान किया? इमरान ने पहले बोल दिया ना, इमरान तो बहुत 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 टॉर्चर किया हम लोगों ने। एक्चुअली झूठ बोल रही है, नहीं नहीं, एकदम झूठ कह रही है। आपने अभी आगे किया, और एक बार भी, देखिए मुझसे शरीफ कोई नहीं ऐसे, वो गन के साथ बंदूक लेके हाथ में, वो ऐसे हिट माय फेस एंड वी हैव इट ऑन द मेकिंग सो यू कैन सी। देखिए, इसमें गलती मेरी नहीं थी, गलती कटरीना की थी। एक बार ऐसे किक किया, वो भी मेकिंग में है। मैं ऐसे खड़ी हूँ चुपचाप, प्यार से शॉट के लिए मैं वेट कर रही हूँ, और ऐसे मतलब अचानक इमरान ने ऐसे लात मार के, आपको नहीं लगता कि कटरीना एडिटिंग में बैठी थी और अपनी वाला सीन सब हटवा दिया और आपका डलवा दिया? He can't even mad about that because the film has had not even started to be edited at this time. We were still shooting. Shooting की दौरान पता चले कि मेरा guest appearance है फिल्म में। बहुत कम लड़कों में दम होता है लड़की भगाने का। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अपने अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों दर्शकों से कि फिल्म देखने आए हैं या कुछ? मैं हमेशा मानता हूँ कि ऑडियंसेस शुड डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। आई फील कि हमने एक बहुत एंटरटेनिंग, बहुत फनी फिल्म बनाई है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ फॉर एन ऑडियंस डिसाइड। अगर उनको गाने अच्छे लगे, अगर उनको ट्रेलर्स प्रोमोज अच्छे लगे, तो वो ज़रूर देखने आएंगे, और मुझे यकीन है उनको मज़ा आएगा। आई थिंक ही सेड इट वेरी वेल, आई एग्री। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वो
खुश।